आप सभी ने बॉर्डर मूवी में 1971 का इंडिया पाकिस्तान लौंगे वाला वॉर तो देखा ही होगा। उस युद्ध भूमि को देखने हम निकल चुके हैं जैसलमेर से 115 किलोमीटर की ड्राइव करके, और अब हम पहुंच गए हैं लौंगे वाला वॉर मेमोरियल। तो यहाँ अंदर जाने के लिए फ्री एंट्री है और आप टाइमिंग्स इंटरनेट पर हमेशा चेक कर सकते हैं। जब हम आए थे उस टाइम टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक थी, तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं यदि टाइमिंग्स चेंज हो जाती है तो। यह मेमोरियल याद दिलाता है 4 दिसंबर 1971 की उस रात की, जब पाकिस्तान ने 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सेना और 30 से 40 टैंकों के साथ भारत के इस पश्चिमी हिस्से को हथियाने के लिए हमला कर दिया। परंतु डर कर भागने की बजाय भारतीय सेना ने डट कर लड़ने का निर्णय लिया। उस समय भारतीय सेना की ओर से मेजर कुलदीप सिंह ने सेना का नेतृत्व किया, जिनका किरदार बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने निभाया है, जिसको आप सभी जानते हैं। इस राउंड के अंदर उन भारतीय सिपाहियों के स्तंभ बनाए गए हैं जिनकी इस युद्ध को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस वॉर मेमोरियल में आकर अपने आप आपका मन देशभक्ति की भावना से सराबोर हो जाता है। सामने ये जो पाकिस्तान के झंडे वाला टैंक नजर आ रहा है, ये वह पाकिस्तानी टैंक है जिसे भारतीय सेना ने युद्ध के बाद जब्त कर लिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 36 टैंक तबाह हो गए थे, जिन्हें यहाँ अभी भी टूटी फूटी हालत में रखा हुआ देखा जा सकता है। यहाँ कई सारी देशभक्ति पंक्तियां भी बीच बीच में लिखी गई है। इस युद्ध में उस वक्त 120 भारतीय सिपाही शामिल थे, जिसमें 4 हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, और उन सभी की इस युद्ध को जीतने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था उस युद्ध में, उसे दिखाने के लिए, लोगों तक उसका सूचना पहुंचाने के लिए यहाँ एक छोटा सा थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ पे थोड़ी सी फीस पे करके आप अंदर जाके उसमें ये पूरी स्टोरी देख सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो अपना आईडी कार्ड अवश्य साथ में लेकर आएं, क्योंकि आपको यहाँ लौंगे वाला में एंट्री करने से पहले आपका आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा या कोई भी आपकी आईडी आपसे मांगी जाएगी। और यहाँ पर एक वॉर म्यूजियम भी बनाया गया है, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये म्यूजियम बंद था, जिस कारण हम इसे अंदर से नहीं देख पाए। इस युद्ध में भारत की जीत तो हुई, पर 5 ऊंट मारे गए और 2 सिपाहियों की मौत हो गई। उन 2 सिपाहियों में से एक थे लेफ्टिनेंट धर्मवीर, और जिनका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है मूवी में। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी टैंक है जो उस समय तबाह हो गया था, ऐसे कई टैंक्स यहाँ पर रखे गए हैं जिसे आके लोग आराम से देख सकते हैं। आप इसे छू सकते हैं, इसमें बैठ भी सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और ये जो चारों तरफ आप थार मरुस्थल देख रहे हैं, यहाँ पूरा मरुस्थल था जिस समय युद्ध हुआ। उस समय इस मरुस्थल ने हमारे इंडिया के फेवर में काफ़ी काम किया, और हम ऊंचाई पर थे, इस कारण से हम पाकिस्तानी सेना पर बहुत ही आसानी से उन पर आक्रमण कर सके, और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ उस वक्त। और यही है वह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, आप देख सकते हैं। इसे मैप में देख के भी समझ सकते हैं कि उस वक्त हम कहां पर थे और पाकिस्तान कहां से एंटर किया था। तो इस बॉर्डर की सुरक्षा के लिए दिन रात कर्मी ही काम करते हैं, और यही वो बॉर्डर मूवी है। इसी मूवी पे ये जो पूरा एरिया है इस मूवी पर बनाया गया है, शूट किया गया है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत का आखिरी कैफे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो है ना भारत का आखिरी कैफे इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इंडिया के लास्ट में है, बॉर्डर पे है, और वहाँ से फिर पाकिस्तान लग जाता है। तो और इसका नाम इन्होंने रख दिया है इंडिया का आखिरी कैफे, लौंगे का वाला कैफे। सो ये काफ़ी फेमस भी हो गया है और लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी यहाँ पे बना दिए गए हैं, थोड़ा सा ऐसे मिलिट्री वाला फील दिया गया है। और ये बहुत बड़ा कैफे नहीं है, बट अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो आई थिंक आप सबको भी जरूर आना चाहिए एक बार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।